हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत पड़ रही है, आज बच्चों के लिए लस्सी बनाएंगे। लस्सी को हम चीनी से नहीं बनाएंगे, क्योंकि चीनी की कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो मन में पहले ख्याल आता है कि चीनी नहीं खानी चाहिए, इसलिए इसको हम जैगरी पाउडर से बनाएंगे। ये गुड़ का पाउडर है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, पतंजलि का या किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, नहीं तो गुड़ को घर पर भी चक्कू से क्रश कर सकते हैं। छोटी इलायची है, ये मलाई है और ये हमारी दही है। दही बहुत ही अच्छी जमी होनी चाहिए, तभी लस्सी अच्छी बनेगी। बहुत सावधानी इसमें ये देना है कि आपको लस्सी कभी भी मिक्सर में नहीं बनानी है, लस्सी बनाने के लिए हमेशा मथनी का इस्तेमाल करें या स्टील की जो मथनी आती है उससे। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। गुड़ का पाउडर आप अपने अनुसार डालें, जितना मीठा पसंद करें बच्चे उतना मीठा। 3 चम्मच हम डाल रहे हैं। लस्सी बनाना बहुत ही आसान है, बस इसमें ध्यान ही देना है। आप देख सकते हैं दही हमारी बहुत ही गाढ़ी है, गाय के दूध की दही है ये। दही जमाने में सावधानी रखनी है कि दही आपको दूध शीत गर्म हो। आप अपनी हथेली पे दूध थोड़ा सा लीजिए, गुनगुना लगे उस समय दही डालिए और हल्का सा इसको मिला करके फिर ढक दें। दही जब जम जाए इसको फ्रिज में रख दें तो दही बहुत अच्छी जम जाएगी। इसी तरह से मथाने से हम इसको पहले मिला लेंगे। ये देख सकते हैं लकड़ी की मथानी, आराम से ये बर्तन की दुकान पे भी मिल जाती है। इसको फेंट लेंगे इस तरह से, फिर इसको इस तरह से फेंटेंगे। अगर आप मिक्सी में बनाते हैं तो पतली हो जाती है, फिर लस्सी अच्छी नहीं लगती है। आप चाहें तो ऊपर से इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही अच्छी लगती है। बनारस में तो कुल्हड़ में जो लस्सी मिलती है उसी तरह से गाढ़ी होती है। लस्सी को अच्छी तरह से हम दही को फेंट लिए हैं मथाने से, लस्सी हमारी बनकर के तैयार है। आप जब भी लस्सी बनाइए, छाछ बनाइए, मठा बनाइए तो कोशिश करके मथाने का प्रयोग करिए। यदि आप छाछ मथाने की सहायता से बनाएंगे तो उसकी तासीर ठंडी होगी, और मिक्सी में बनाएंगे तो फिर वो गर्म हो जाएगा, पीने में भी आनंद नहीं आएगा। फ्रेंड्स, गुड़ की लस्सी हमारी बनकर के तैयार है। अब इसको हम मिट्टी के ग्लास में निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम मलाई लगाएंगे। मलाई से लस्सी हमारी बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा जैगरी पाउडर ऊपर से डालेंगे। फ्रेंड्स, लस्सी हमारी बन करके तैयार है। इस तरह से आप जैगरी पाउडर से लस्सी बनाइए, गर्मी में सभी को पिलाइए, जिससे सबके अंदर जो चीनी का भय है वो भी नहीं रहेगा, लोग लस्सी का भी आनंद उठा सकेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम ऐसे ही नए वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।